नमस्कार, मैं योगेश राणा। खापो के चौधरियों ने महिला पहलवानों से गंगा में मेडल प्रभावित करने से मना किया और 5 दिन का उनको समय दिया, यानी 4 मई तक का समय। और दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को शक्तिशाली प्रदर्शन करने का दिन तय किया है, वो भी भगवान राम की नगरी में, अयोध्या में। लेकिन इन दोनों जानकारियों के अलावा भी एक जानकारी है, और वो यह है कि अयोध्या के संतों ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग की है। राम की नगरी अयोध्या के महंतों ने 5 जून को ब्रिजभूषण सिंह की जनचेतना रैली का समर्थन किया है और कहा है कि इसी दिन पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग बुलंद की जाएगी। कुछ संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि हम इसके दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, पॉक्सो एक्ट समाज में कैंसर का रूप ले चुका है। मैंने भी इसको लेकर एक सवाल कम्युनिटी पर पूछा, लोगों के साथ शेयर किया, तो शुरुआती समय में जो रुझान आया 51% का मत है कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन जरूरी है और 49% का कहना है कि संशोधन जरूरी नहीं है। अब इस पर सभी का अपना अपना मत हो सकता है, जरूरी है कि नहीं है, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, सबके अपने अपने आंकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यह माना ही जाना चाहिए कि जो हाँ कर रहा है उसने भी कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, कुछ समझा है, कोई डाटा देखा होगा, और जो ना कर रहा है उसके भी कोई ना कोई ना करने की वजह ही होगी, उसने भी कोई ना कोई बात देखी, समझी, सुनी होगी, कोई डेटा देखा होगा, इसीलिए वो इस पर हाँ या ना में एक तरफ जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया के सामने एक संकट है, बच्चों और किशोरों की सुरक्षा का बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया में इसके लिए नए नए तरीके के तंत्र विकसित हो रहे हैं, बच्चे इंटरनेट से लेकर तमाम जगह पर असुरक्षित होते जा रहे हैं, और सवाल तो यह भी है कि आखिर पॉक्सो एक्ट की जरूरत ही क्यों इस देश में आन पड़ी थी, और सवाल तो यह भी है कि इस एक्ट के आने के बाद हालातों में सुधार कितना हुआ है। आप कुछ आंकड़े देख और समझ लीजिए, पिछले 5 सालों में पॉक्सो के तहत दर्ज केस 30% बढ़े हैं और अदालतों में इन मामलों की पेंडेंसी रेट 94% के भी पार है। एनसीआरबी का डेटा है, इस देश में हर तीसरा अपराध बच्चों और किशोरों के खिलाफ हो रहा है। 2019 में 47,335 पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुए, 2020 में देश भर में 47,221 केस दर्ज हुए, 2021 में 53,874 केस दर्ज हुए जो बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े हुए केस है। यह केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। एक आंकड़ा और देखिए, पॉक्सो एक्ट लागू हुए 10 साल होने पर विश्व बैंक की डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म ने देश में दर्ज मामलों का विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में 43.44% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं और केवल 14.03% मामलों में ही आरोपी को सजा मिल पाती है। एक और आंकड़ा है, यह गौर करने लायक आंकड़ा है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पॉक्सो के तहत दर्ज केस की पेंडेंसी में। उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 67,153 मामले पेंडिंग है। इसके अलावा महाराष्ट्र का नंबर आता है। यह जो आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं, यह तमाम मीडिया रिपोर्ट में आए हुए आंकड़े हैं। मैं अगर इस एक्ट से संबंधित आंकड़े पेश करता रहा तो न जाने कितने आंकड़े सामने आ जाएंगे और न जाने कितनी खबरें सामने आ जाएगी। आप इंटरनेट पर जाकर इससे संबंधित 1-2 कीवर्ड ही सर्च कर लीजिए, आपको थोक के भाव इस तरह की खबरें मिल जाएगी जो यह साबित करती है कि बच्चों और किशोर की सुरक्षा, उनके भविष्य को संवारने की जो चिंता है, उनसे संबंधित मामलों की प्राथमिकता से सुनने और हल करने की जो बात है, इन सब चीजों को देखकर समझा जा सकता है कि हम एक सड़ा गला सिस्टम है जिसमें अपने बच्चों और किशोरों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे, उनसे जुड़े मामलों को प्राथमिकता से नहीं सुन पा रहे। अगर बहुत निष्कर्ष के तौर पर बातें कही जाए तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी साबित होंगे या दोषी साबित नहीं होंगे, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह जांच का विषय है और अदालत को यह तय करना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप कितने सही है। लेकिन एक सवाल तो बनता ही है कि जब यह मामला पूरे देश में इतनी संवेदनशीलता को प्राप्त हो चुका है तो फिर सरकार और दिल्ली पुलिस जल्द ही किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुँच पा रही है।
और फिर यह जो अयोध्या में महारैली की तैयारी चल रही है, या फिर यह जो 5 दिन का समय पहलवानों को खापों के चौधरियों ने दिया है, यह एक बढ़ता हुआ दबाव है जो चिंता के लेवल तक पहुंच सकता है, पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी की केंद्र सरकार को आगे आकर कुछ तो तस्वीर को साफ करना ही चाहिए। इस तरीके से संवेदनशील घटनाओं को लावारिस हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है, यह एक चिंता की बात है। इन सब बातों के बीच में कुछ और तथ्य भी है जिन पर गौर किया जाना चाहिए। 5 जून को यह जो अयोध्या के राम कथा पार्क में जन चेतना महारैली का आयोजन होने जा रहा है, इसमें 11 लाख लोग हिस्सा लेंगे। यह बात बृजभूषण सिंह ने कही है। बृजभूषण सिंह अवध और पूर्वांचल में खूब दौरे कर रहे हैं इस रैली को महारैली में बदलने के लिए। उसने पिछले 2 हफ्तों में बहराइच, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर जैसे पूर्वांचल और अवध के बहुत से जिलों का दौरा किया है। इस रैली को महारैली बनाने के लिए संतों ने एक समिति का गठन किया है। इस रैली में कानूनी विशेषज्ञ, पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सामाजिक समूहों को निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या के संतों ने ऋषिकेश, वाराणसी, हरिद्वार के संतों को भी इस महारैली में बुलाया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी इनवाइट किया गया है। यह बात खुद बृजभूषण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह ने मीडिया को बताई है। एक और बात, संत समाज इस रैली में 100 मीटर के कपड़े पर हस्ताक्षर करेंगे और इसको दिल्ली में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और भी बहुत सी बातें होंगी जो इस महारैली में होंगी, उसी दिन सामने आएगी और धीरे धीरे सामने आ रही है। इन बातों को देख सुनो और समझ कर एक बात तो समझी जा सकती है कि बीजेपी पहले से ही बृजभूषण सिंह को लेकर दबाव में है, बीजेपी पहलवानों के आंदोलन को लेकर दबाव में है, बीजेपी की सरकारें इसको लेकर दबाव में है, केंद्र सरकार दबाव में है और 5 जून के बाद तो और अधिक दबाव में आने वाली है। दबाव बढ़ने ही वाला है अगर बीजेपी की केंद्र सरकार इस मामले में दबाव में नहीं होती तो अभी तक मामला इधर या उधर हो चुका होता। यह तो बहुत सीधी सी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होता। एक मामले की निष्पक्ष जांच कराने में दिल्ली पुलिस को समय ही कितना लगना है, लेकिन यह मामला अब केवल उतना भर नहीं रह गया है जितना भर दिख रहा है। यह मामला 2024 को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है, 2024 से जुड़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए तो यह और अधिक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।